बरेली विकासखंड भुता की ग्राम पंचायत भोजपुर रामनाथ के ग्राम प्रधान नुसरत खान से आज हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान नुसरत खान ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा अपनी ग्राम पंचायत भोजपुर रामनाथ के लिए जो विकास की योजनाएं भविष्य के लिए तैयार की है, जिसमें स्वच्छ जल योजना, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर व बारात घर, सीसी रोड निर्माण व कब्रिस्तान और शमशान का सौंदर्यकरण व सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक लाने की जानकारी देते हुए प्रधान नुसरत खान ने बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। नुसरत खान प्रधान। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है आपकी? ग्राम पंचायत भोजपुर रामनाथ। विकासखंड भुता। लगभग हमारे अपने कार्यकाल में 190 मीटर विधायक निधि से मैंने कराया था, ठीक, 190 मीटर विधायक निधि से, और उसके बाद में खड़ंजे भी हुए हैं गांव में लगभग 150 के लगभग, और इंटरलॉकिंग लगभग 300 मीटर इंटरलॉकिंग, 400 के लगभग इंटरलॉकिंग होगी। उसके साथ साथ इंटरलॉकिंग नाली, और नाली के साथ साथ फिर आ जाओ पेंशन तो साहब जितनी थी और भी कट गई, और वो तो बनी तो नहीं तो कोई नहीं हो पाई, जो पुरानी थी वो भी कट गई। और फिर उसके बाद में राशन कार्ड की बात आ जाओ, राशन में सरकार ने बड़ी छूट दी, तो राशन का जो मामला चलता रहा, कोटेदार हमारा बढ़िया नहीं है, कोई बात नहीं, वो जानो उसका कर्म जाने क्या है। फिर उसके में राशन कार्ड में जितने भी आते रहे बनवाते रहे, जिसने भी कह दिया साहब हमें आवश्यकता है, सरकार की अपनी तरफ से छूट थी तो बनवाई, अब 100 हो 150 हो लगभग हमारे यहाँ हो गए सभी। आवास कितनी बने हैं आपके? आवास कोई भी ना आवास आया, मैंने लिख करके दिया तो 21 आवास दिए हैं, अभी तक कोई मेरे पे पैसा नहीं आया। ये बताइए शौचालय कितने बने हैं आपके यहाँ? शौचालय 100 से ऊपर ही है। क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था सही है, और सही के साथ साथ हमारे प्राइमरी और जूनियर है, मैं ग्राम प्रधान होने के नाते और जो भी आने वाले टाइम में जो भी टाइम अगर मिला या जनता ने चाहा, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि अगर दोबारा से जनता ने चाहा, दोबारा से अगर ये बात आई या प्रधान बनाया जनता ने अगर अच्छा समझा, तो मैं हमारे यहाँ की जो शिक्षा का मामला है, दूर दूर तक हाई स्कूल व इंटर हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हैं तो दूर दूर है, फरीदपुर है, फरीदपुर के साथ साथ और भी अलग है, वहाँ है, फिलहाल अपना हमारे अपने गाँव या क्षेत्र में नहीं है। तो अगर आने वाले टाइम में अगर ये चाहा तो रहेगी गांव की बात, तो गांव एक छोटा सा गांव है, छोटी सी पंचायत, तो उसमें इतना पैसा नहीं है या निधि में इतना पैसा नहीं है कि जो कि मैं हाई स्कूल या इंटर हम अपना बनवा सकें, तो किसी विधायक या सांसद से मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे कि सरकार हमारे यहाँ देख लिया जाए, और हमारे गाँव की क्षेत्र की जनता चाहती है कि साहब स्कूल हो, हाई स्कूल या इंटर जो भी हो, फिलहाल मैं उनसे विनती और रिक्वेस्ट करेंगे, भाई यही कर सकते हैं साहब और क्या कर सकते हैं। दूसरी ये सही बात है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और हम बड़े खुश हैं आपसे आपने पूछा, तो सही है कि ये सच है, सच ये है कि हमारे अपने गांव में लगभग 6 से 7 या 10 तक मौतें हो चुकी हैं कैंसर की वजह से और पानी दूषित होने की वजह से। मैंने बड़ा प्रयास किया, कोशिश करी कि साहब ये चीज़ गंदा पानी, आज पीला पानी आ रहा है, और उसके साथ साथ शिकायत करने का कोई भी उत्तर हमें नहीं मिला। अब इसके साथ साथ में ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार से निवेदन करेंगे, पूछेंगे, कहेंगे, प्रयास करेंगे, अगर जनता ने चाहा, अब तो इलेक्शन ग्राम पंचायत का नज़दीक है, इसी साल में हो सकता है, ठीक है, और होना ही चाहिए, टाइम भी पूरा हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मुझे मौका मिला या दोबारा हम प्रधान बने, तो मैं सबसे पहले स्वच्छ पानी का, क्योंकि हम चोट खाए हुए हैं, पता है अपने गांव की स्थिति कि किस तरीके की स्थिति है, और पानी किस तरीके का दूषित पानी है, बेसंदा पानी है, पीला निकल रहा है। स्वच्छ पानी के लिए क्या करेंगे आप? स्वच्छ पानी के लिए ये चाहते हैं कि हम ये करेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे, पहला विकल्प होगा मेरा अपना कि वहाँ पर जैसे सरकार दे रही है अपनी योजना के तहत
कि टैंक लगवाना या पानी से जो समरसेबल लगवाना उसके द्वारा सप्लाई देना सही पानी, ये पहला विकल्प होगा मेरा अपना। रूपरेखा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये सही बात है। हमारा अपना गांव एक शहर से बहुत दूर है, कस्बा से बहुत दूर है, और स्वास्थ्य के मामले में बाकी हमें बड़ी दिक्कत और परेशानी है। रात में अगर किसी प्रकार को कोई भी बुखार आ जाए, किसी को कोई और इमरजेंसी हो जाए, तो या तो शहर आए या फिर हम कस्बा जाएं, या यहाँ से गांव से हमारे और वहाँ तक की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक जाना आना है। और मैं इसका ये क्या बताएं, हमें इतनी अच्छी बात आपने कहने के बाद ये पूछा तो हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। और दूसरे, अभी तो चलो इलेक्शन का नज़दीक है, कोई बात नहीं है, अगर इलेक्शन में दोबारा से अगर प्रयास करा, दोबारा ने जनता चाहा और ये चीज़ आई और प्रधान बने, तो सबसे पहले लिखूंगा, सबसे पहले प्रयास करेंगे कि सरकार, ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, एक अस्पताल छोटा से छोटा बना दिया जाए, जिससे कि हमारी जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे गाँव के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए हो, तो हम उस पर खड़े उतरें और अच्छा लगे। ये बड़ी छिट्टी हुई बात है। और हमारे यहाँ अपने जब कहीं बारात की बात आती है कि बारात होना है, तो साहब ये स्थिति पैदा होती है, तो मैं स्कूल में जाते हैं कि अध्यापक जी यार मास्टर साहब हमें चाबी दे दो या ऐसा कर लो, कहते नहीं हमें अधिकार नहीं है। तो अपने कहाँ से क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं हमारे गाँव के लोग, उसमें बड़ा खेद है और बड़ी परेशानी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में अगर किसी हमारे गांव के अपने लोगों ने विश्वास जताया और भरोसा किया, तो ये 100% मैं कहता हूँ कि मैं अपने शासन से ये कोशिश करूँगा, लिख करके दूंगा कि सरकार सबसे पहले एक पंचायत घर व दूसरा बारात घर, क्योंकि इसकी अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है। और ज़रूरत इतनी ज़रूरत है कि आपके लिए हम क्या कैसे करके बताएं। जनता हमारे गांव की होती तो वो सुनती और बताती कि वाकई ही सही बात है या गलत बात है। पता ये है कि ये वाकई बड़ी चुभन सी बात है। और हमारे यहाँ अपने गांव की जो लाइट की स्थिति है, अगर मोबाइल भी लगाएंगे भाई साहब आप, तो शायद तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, वो स्थिति है। ऐसे जलती है, अगर पहले डिब्बी जलती थी तो डिब्बी तो रोशनी उसकी ज़्यादा होगी, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था इतनी है कि उसकी उससे भी कम है। तो उसका प्रयास ये है कि देखिए, समय नहीं, जनता ने चाहा कि साहब दोबारा से रिपीट, और विश्वास किया, विश्वास जताया, तो साहब ये भी मेरा विकल्प होगा कि शायद अपने गांव में 2 से 3 ट्रांसफार्मर लगवाऊंगा और सबसे पहला नंबर इस काम के लिए आगे बढ़ाने के बाद ये समस्या ही दूर कर देंगे। ये समस्या दूर हो जाएगी तो गाँव के लोग गदगद हो जाएंगे, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी गाँव के, नहीं जनता का, और क्या चाहिए जनता के लिए। स्थिति साहब ये है कि हमारे बताने से ही मौके की स्थिति यह है कि ना तो शमशान की कोई बाउंड्री है, ना कोई टीन सेट है, ना कोई लिंटर है, सादा पहले से ही रहा, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो कि मैंने हैंडपम्प लगवाया। हैंडपम्प लगवाने के बाद में तो पानी की तो हो गई व्यवस्था, अन्यथा अभी तक किसी प्रकार का गाँव तो ना तो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, ना वहाँ पर है, दोनों जगह पर कहीं पर भी कोई ऐसी नहीं है, ना शमशान ना कब्रिस्तान। मेरा सबसे पहले ये और भी विकल्प है कि विकल्प ये कि अब समय नहीं, समय होने के अभाव से ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ग्राम पंचायत से करा सकूँ। निचला गांव पहले से विकास के लिए अधूरा था, मैंने जितना करा सका वो मैंने बहुत कुछ करा दिया। और आप लोग अगर कभी जाएँ तो देखें, मेरे गाँव की जनता से पूछें सही और गलत के मामले में, कहने के लिए कोई गलत कह दे पर मौखिक जब देखेंगे तो सही पाएंगे। तो सबसे पहला प्रयास मेरा है कि अगर जनता ने भरोसा जताया और मुझ पर भरोसा किया, तो शायद ये मौका दूंगा नहीं, सबसे पहले होगा कि साहब कब्रिस्तान व शमशान भूमि, चाहे तो शमशान पहले भूमि हो जाए, चाहे तो कब्रिस्तान पहले हो जाए, इनकी बाउंड्री वाल होना, टीन सेट होना, और दाह संस्कार की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, जो हमारे अपने गांव में बढ़िया तरीके से हो, जो दूर दराज जाते हैं लोग वो ना जाएं, अपने गांव में ही रहें। संदेश, अरे हमारे पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, हम संदेश ही क्या देंगे भाई। संदेश तो ये देना है कि जितनी दूरी बना सको और जितना दायरे में रह सको, मेरी क्षेत्र की जनता से, मेरे गाँव की जनता से ये निवेदन है, ये मेरी विनती है। और मैंने कहा है कि भाई मैंने अपने गाँव में सैनिटाइजर करवाई, दवा छिड़कवाई, जो भी आई
और दड़ा चकाने के बाद में फिर मांस की बात आ गई, तो मैंने जो भी हो सके मांस बांटे बंटवाई। ठीक, अब जनता से ये रुके थे कि जितनी सरकार ने जो रखा है, जो कि आपकी महामारी फैली हुई है, जो बीमारी है ये इतनी भयंकर और इतनी गलत बीमारी है, ये छूत है, जितना इससे बचोगे अपना बचो और दूसरों को भी बचो।